फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दिवाली स्पेशल सीरीज़ में एक और न्यू डिश, और वो है गुजिया। ये गुजिया हम बनाएंगे बिना मावा के, पर इसका टेस्ट बिल्कुल मावा जैसे गुजिया का होगा। इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही औसम होगा। और इस वीडियो में आपको बीच में मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गुजिया बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है ऑलमोस्ट 2 कप मैदा, और अब मैं उसमें डालूंगी थोड़ा तेल मोयन के लिए। गुजिया के आटे में हम मोयन बस उतना ही डालेंगे कि जब हम मिक्स करें तो एक मुट्ठी बनाएं तो एक बाइंडिंग आ जाए आटे में। बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डालेंगे वरना गुजिया तेल पिएगी और अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए आटे में मोयन बहुत अच्छे से आ गया। देखिए जब मैं मुट्ठी में इसे ले रही हूँ तो अच्छी बाइंडिंग आ रही है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट आटा तैयार करेंगे। गुजिया का जो डो है वो थोड़ा टाइट लगेगा तभी गुजिया अच्छी बनेंगी। देखिए हमारे गुजिया का आटा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे काफ़ी टाइट गूंथा है और इसे अब आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने देंगे, और तब तक हम तैयार करेंगे गुजिया की स्टफिंग। गुजिया की स्टफिंग के लिए मैंने लिया थोड़ा काजू, थोड़े बादाम और थोड़ी सी किशमिश। और देखिए कढ़ाई में मैंने डाला है लगभग 2 चम्मच की घी, और अब काजू और बादाम को मैं इसमें हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। हम किशमिश अभी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ काजू और बादाम को इसमें रोस्ट करेंगे। देखिए अब ये बचे हुए घी में मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, और अब इसी घी में मैं इसे हल्का सा रोस्ट करूँगी। इससे भी हमारी स्टफिंग का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम में बिल्कुल थोड़े से देर के लिए रोस्ट करेंगे और फिर इसे तुरंत निकाल लेंगे। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, हमने बस थोड़े से देर के लिए इसे रोस्ट किया था, और अब इसे हम तुरंत प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट जिससे हमारी स्टफिंग बनेगी वो है सूजी। तो मैंने ऑलमोस्ट लिया है 1 कप सूजी, और इस 1 कप सूजी के साथ मैंने लिया है 1/2 कप घी। तो इस 1/2 कप घी में हम ये सूजी डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। हम सूजी को बिल्कुल हाई फ्लेम में नहीं सेकेंगे वरना हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट नहीं होगी। लो फ्लेम में ही हम इसे इवनली सेकेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर लो फ्लेम में सूजी बहुत बराबर सिकेगी और इवनली सिकेगी। देखिए हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से सिक गई है। देखिए एकदम सुंदर कलर आया और एकदम इवनली सिकी है। मैंने इसे कम से कम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में कंटिन्यूसली चलाते हुए सेका है, और देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी ऑलमोस्ट 1 कप मिल्क, 1 कप दूध डालूंगी। मैंने 1 कप सूजी के हिसाब से इसमें डाला है 1 कप दूध, और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स फॉर्म ना हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अपने हलवे को बनाते हैं। और देखिए अब चलाते चलाते मैं इस समय डाल रही हूँ इसमें ऑलमोस्ट 1 कप चीनी। तो मैंने 1 कप सूजी में लिया है ऑलमोस्ट 1 कप दूध और 1 कप चीनी, और हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। इस समय मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ इलायची पाउडर, अब इस
स्टेज पर ही देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को, जिन काजू और बादाम को मैंने रोस्ट किया था उसको फाइनली चॉप किया है, और किशमिश को भी मैंने इसी में ऐसे फाइनली चॉप कर लिया है। और अब मैं डालूंगी ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें और अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए हमारा मिक्सचर धीरे धीरे थिक हो रहा है। ये स्टफिंग से अगर आप अपनी गुजिया एक बार बना के देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल आपको मावे वाली गुजिया का टेस्ट भी देगी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हमने जो कोकोनट को रोस्ट करके रखा था, डेसिकेटेड कोकोनट, अब वो इसमें हम डाल के अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी स्टफिंग। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा होने रखेंगे और ठंडे होने के बाद इसे इस स्टफिंग से हम स्टफ करके अपनी गुजिया रेडी करेंगे। देखिए 25 से 30 मिनट बाद मैंने आटा को चेक कर लिया है, आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा रेडी है। और अब इसकी हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने बेला है, और ये देखिए ये है गुजिया बनाने का सांचा, उस पर मैं इस जो हमने पूड़ी जैसा बेला है उसको मैं रखूँगी इसमें। और अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो स्टफिंग को मैं धीरे से इस पर सेट करूँगी, इस तरीके से डालूँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से मैं ये मसाले को इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से इसे सेट करके प्रेस कर दे रही हूँ हल्का सा। और अब हम पानी को चारों तरफ लगाएंगे, एजेस में पानी हम अच्छे से लगाएंगे ताकि जो एजेस हैं वो अच्छे से चिपक जाएं और तलते समय खुले नहीं। तो ये पानी हम इसमें लगा दे रहे हैं और अब धीरे से हम इसे प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे, साइड साइड से प्रेस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा अगर निकल रहा है कुछ तो हम उसे हाथ से निकाल लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई हमारी गुजिया, और इस तरीके से हम अपनी बाकी गुजियों को भी रेडी कर लेते हैं। देखिए गुजिया बिल्कुल बन के रेडी है और अभी इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, बिल्कुल हॉट, हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है अपने तेल को, हल्का सा निवाया गर्म हुआ है। और अब ये गुजिया मैं इसमें डालूंगी एक एक करके। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने बहुत सारी गुजियाओं को एक साथ डाला है। इसको करने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि ऐसे अगर आप सेकेंगे तो आपकी गुजियों में बबल्स नहीं आएंगे और बहुत अच्छी सिकाई होगी गुजियों की। गुजियाँ बिल्कुल परफेक्ट सिकी हैं, इसी स्टेट तक हमें इसे सेकना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। इस तरीके से सुनहरी लाल हो गई हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल रेडी है हमारी बिल्कुल टेस्टी एंड परफेक्ट गुजिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोस आप तुरंत वॉच कर सकें। थैंक यू।